सुबह थोड़ा सा मौसम खुला था, पर अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। वेरी नाइस टाइम हो रहा है। 6 अभी है अल्मोड़ा में। यह है हमारा होटल जहाँ रुके हैं। तैयार बैठे हैं। योगा क्लास आज हुई नहीं क्योंकि फिर से बारिश हो रही है। 3 दिन से कोई भी योगा क्लास नहीं हुई है। बारिश बारिश बारिश, कभी नेटवर्क नहीं होता है तो कभी बारिश होती है। बाल मिठाई जरूर लेनी है, बाल मिठाई जरूर लेनी है। लगातार बारिश हो रही है और इसी का ही वेट हो रहा है। जैसे ही बारिश रुके तो निकले, लेकिन लगता है कि भीगे भीगे में ही सारा सामान बांधना होगा और बरसात में ही भीगते भीगते निकलना होगा। अल्मोड़ा की फेमस है बाल मिठाई, तो वो पहले लेके आते हैं, उसको बैग में रखना होगा। सेकंड पेट्रोल पंप के बाद में अच्छी एक दुकान है, वहीं से लेंगे। ये काफ़ी फेमस दुकान है। अभी मेरे पीछे जो है भीम सिंह मोहन सिंह रौतेला, तो ये काफ़ी फेमस दुकान है बाल मिठाई के लिए। अगर आप कभी अल्मोड़ा में हैं तो यहाँ से बाल मिठाई ज़रूर ट्राई करें। मैं तो घर के लिए लेके जा रहा हूँ 2 डब्बे। तो ले ली गई है बाल मिठाई, चलते हैं अब वापस होटल, बैग बांधा जाए और चला जाए। अल्मोड़ा से नैनीताल तक का हाईवे अच्छा बना हुआ है, रोड बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया। बाकी पहाड़ी रोड है तो पहाड़ी रोड होती है। और सीनरी थोड़ा थोड़ा बादल हट रहा है, दिख रहा है, बढ़िया है, अच्छा नाइस। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, लैंडस्लाइड हो रखी है, पत्थर गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, और ये ताज़ा है। जगह जगह पे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे की तरफ, इसके पास में ही जेसीबी भी होगी, तो अगर ये पहाड़ और फिसलता है तो उसको साफ कर देते हैं, रोड को आने जाने का रास्ता बना देते हैं। हल्की हल्की बौछारें पड़ रही हैं और बारिश लेकिन बंद नहीं हुई है जब से हम लोग अल्मोड़ा से निकले हैं। अरे जब से हम लोग मुनस्यारी से चले हैं, जब से मुनस्यारी की तरफ चले हैं, तब से बारिश हो रही है। अभी हल्द्वानी 75 किलोमीटर, जोलीकोट 50 किलोमीटर। अल्मोड़ा से निकला थे लगभग हम लोग 9:20 पर, और अभी हम लोग 30-35 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। ऑलमोस्ट प्लेन्स हैं, यहाँ पर नदी बह रही है नीचे। अभी नैनीताल यहाँ से 35 किलोमीटर और हैं। रुके हैं, अभी पराठे वगैरह खाते हैं, समोसे वगैरह खाते हैं, कुछ खा लें और फिर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। अभी तक हम लोग अल्मोड़ा से नीचे आ रहे थे और अब हमें यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है लगभग 35 किलोमीटर। तो खा पी के पहले पेट टाइट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हमारे पराठे। चले, अभी बारिश बंद है। ये बंद बंद बारिश में अगर हम लोग नैनीताल पहुंच जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर से एक बार भीगना पड़ेगा। ऐसे पत्थर गिर गिर के हर जगह सड़क पे गिरे हुए हैं, जगह जगह। ये भी सब पूरा लैंडस्लाइड का इलाका है, पहाड़ बराबर गिर रहे हैं और वो जेसीबी जैसे खड़ी है। ज़्यादा बड़ा कोई पहाड़ गिर गया है, ज़्यादा बड़ा कोई पत्थर गिर गया रास्ते में, तो ये जेसीबी उसको खींच के किनारे करती है। हरियाली ही हरियाली, हरियाली और सफेदी। पहुंचा है कैंची धाम। यहाँ पर नीम करोली बाबा का आश्रम है, काफी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। नीम करोली बाबा, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और जिम मॉरिसन, बीटल्स वाले, वो सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने कैंची धाम विजिट किया, नीम करोली बाबा के शागिर्द रहे हैं, तो उनका आश्रम यही है कैंची धाम में।
सारे ये सारे होटल्स हैं चारों तरफ, आश्रम होटल अच्छा बना रखा है। कैंची धाम काफी सारे लोग आते हैं। ये है कैंची धाम। ये है कैंची धाम आश्रम भवन नीम करोली का। चलो जी चला जाए यहाँ से बाबा जी का प्रसाद। और यहाँ पर एक आगे विवेकानंद जी की भी तपस्थली है। विवेकानंद जी यहाँ यहाँ पर हिमालय में आए थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी, तो उनकी भी जो तपस्थली है जहाँ पर उन्होंने तप किया वो जगह भी पीछे है। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा रास्ते से हट के फिर अंदर की ओर जाना होता है, तो हम लोग खैर वहाँ नहीं गए। रास्ते में है, अगर आप नैनीताल से अल्मोड़ा जाते हैं या अल्मोड़ा से नैनीताल आते हैं तो आपको रास्ते में पड़ेगा कैंची धाम लगभग बीचों बीच में। अभी दिल्ली 318 किलोमीटर और है हम लोग को जाना है। नैनीताल जाने के लिए ये रास्ता है और दिल्ली के लिए इधर ये रास्ता है, तो 9 किलोमीटर नैनीताल इस तरफ है और दिल्ली के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे 309 किलोमीटर। तो जैसे हम लोग नैनीताल के करीब पहुंचे मौसम ऐसा ही ठंडा सा हो गया, क्योंकि ये फिर इतनी हाइट पे है लगभग जितनी मुनस्यारी है, कुछ 2000 फीट कम होगा मुनस्यारी से, पर मौसम लगभग वैसा ही हो गया था, बादल बादल पूरे। हम लोग आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी वोटर क्रॉसिंग नैनीताल से उतर आए। नैनीताल उधर पहाड़ियों के पीछे है, वहाँ पर वहाँ से उतर आए हैं। यहाँ पर जाम है थोड़ा सा, यहाँ पे लैंडस्लाइड भी है और एक तरफ से एक बार में सारी गाड़ियों को निकाल रहे हैं ज्वाली कोट के पास। पहाड़ी एरिया पूरा खत्म हो गया है, प्लेन्स पे आ गए हैं। ये है काठगोदाम शहर, काठगोदाम और हल्द्वानी ऑलमोस्ट पूरा सब एक ही है, एक खत्म होता है दूसरा शहर शुरू हो जाता है। एक्चुअली पहले काठगोदाम बहुत ही छोटा था, सिर्फ एक रेलवे स्टेशन था नैनीताल जाने के लिए, पर अब काठगोदाम भी बड़ा हो चुका। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हल्द्वानी। ये है रुद्रपुर और अभी अभी मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था, चश्मा नहीं मिला है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। 8000 रुपए का चश्मा था रेबैन का, कहीं से मैंने रखा और कहीं वो छूट गया, समझ में नहीं आ रहा। 3 बज रहा है और रामपुर क्रॉस कर लिया है दिल्ली 205 किलोमीटर, यानी हम लोगों को 5 घंटे और लगेंगे, लगभग 8 बज जाएंगे, शाम हो जाएगी तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी होगा। 9 मान के जा सकते हैं कि 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हापुड़ अभी 111 किलोमीटर, हल्की हल्की फुहारे पड़ रही हैं, मज़ेदार। अभी मुरादाबाद क्रॉस कर रहे हैं और यहीं पे रुके खाना खाने के लिए, दाल आलू मटर की सब्जी रोटी आधा कर दिया हम लोगों ने, बहुत भूख लगी थी। सरदार जी का ढाबा मुरादाबाद क्रॉस करते ही यहाँ पे खाया गया खाना और आप चलते हैं। यार मजा नहीं आ रहा यार, सामने से धूप पड़ रही है और चश्मा नहीं है, गजब है यार, चश्मा कैसे छूट गया, हे भगवान। कभी नहीं होता मेरे साथ, कभी नहीं होता, मेरे कभी कोई सामान वामान नहीं छूटता है, टूथब्रश तक नहीं छूटता मेरा कभी। सामने सूरज देवता चमक रहा है, बादल है, क्या बताएं। चलो जब से हम लोग प्लेन्स पे उतरे हैं तब से बारिश नहीं हुई है, अभी मौसम काफ़ी घिरा हुआ है, काफ़ी बादल घेर रखे हैं,
तो हो सकता है कि जब तक हम लोग घर पहुंचे तब तक हो सकता है कि बारिश फिर से हो जाए एक बार और फिर से भीग के घर पहुंचे। चलो जी अभी थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है 5 मिनट क्योंकि काफ़ी चला के आए हैं अभी और 100 किलोमीटर और बचा हुआ है घर के लिए। फिर से एक बार हम लोग निकल लिए हैं और बारिश हो शुरू हो गई है। वाह भाई मानसून में राइड करने का यही फ़ायदा है, हर वक्त भीगते रहो। और अभी रेनकोट भी नहीं डाला है तो बारिश के फुल ऑन मज़े, पूरा भीगेंगे। बहुत बढ़िया दिल्ली 94 किलोमीटर और आने वाला है गढ़ मुक्तेश्वर ब्रिज। गंगा जी बहती हैं यहाँ से और ये सारी मूढ़ों की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह ये है गंगा जी का पाठ, बहुत चौड़ा, शाबाश। ब्रिज चला गया अपने घर और अब बस थोड़ा सा और आगे मेरा घर, भीग गए हैं, ठंड लग रही है। ओहो वॉन्टरिंग अमित, फाइनली आ गए भैया अपने घर, होम स्वीट होम।